अब जयपुर की सड़कों को सैनिटाइजेशन के जरिए साफ किया जा रहा है। आपको दिखाते हैं, मेरे सहयोगी ऋतुराज शर्मा जुड़ चुके हैं। ऋतुराज का मैं रुख करती हूं। ऋतुराज कहां पर मौजूद है, कैसे सैनिटाइज किया जा रहा है राजधानी जयपुर की सड़कों को, जरा दिखाएं और बताएं। देखिए दीपा, हम यहाँ खड़े हैं सिविल लाइन्स में और हम ये देख सकते हैं कि सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव यहाँ पर किया जा रहा है सैनिटाइज करने के लिए। शुरुआत यहाँ से की जा रही है, लेकिन धीरे धीरे जो आसपास की कॉलोनी है, आसपास की बस्तियाँ हैं, उनमें सब में सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया जा रहा है। और इसमें खास तौर पर ये जो परिवहन मंत्री हैं प्रताप सिंह खाचरियावास, इनकी पहल है ये। और ये शुरुआत करें सोडाला और उसके आसपास के इलाके में सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया जाएगा, जिससे एक तरह से जो जनता में भय व्याप्त है, जो बीमारी है कोरोना वायरस को लेकर, वो थोड़ा दूर हो। और सोडियम हाइपोक्लोराइड का देख सकते हैं कि क्रेन मंगवा कर अग्निशमन सेवा की जो वाहन है उससे छिड़काव कराया जा रहा है। हम कोशिश करते हैं कि प्रताप सिंह खाचरियावास हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं किस तरह ये छिड़काव किया जा रहा है और क्या इसके पीछे उद्देश्य है। सोडियम हाइपोक्लोराइड, मैं बधाई दूंगा इनको, राजराधे क्लब, राजेश जी, पिंटू जी, मनोज जी, तमाम लोग, इनकी इसलिए तारीफ करूंगा, सुरेश जी सैनी और ये सारे लोग मिलकर। और ये बड़ी बात ये कि कल मैं वहाँ अग्रवाल सदन, इन्होंने आइसोलेशन के लिए दिया है उनको, गवर्नमेंट को दिया है, तो ये मुझे वहाँ मिल गए। तो इन्होंने कहा सोडियम हाइपोक्लोराइड की व्यवस्था हम करेंगे और नगर निगम की फायर ब्रिगेड आप हमको दे दो और आप हमारे साथ रहो, हम सब जगह छिड़काव करना। सोडियम हाइपोक्लोराइड वही है जो वुहान में, इटली में सब जगह छिड़काव हो रहा है और ये अभी छिड़काव यहाँ से चालू कर रहे हैं और ये लगातार पूरे जयपुर में चालू रहेगा। एक तरह से भय व्याप्त है जो कोरोना वायरस से अब तक हमारे देश ने, प्रदेश ने देखी नहीं, तो इससे कोई रोकथाम में मदद मिलेगी? रोकथाम में मदद मिलेगी, भय व्याप्त तो निकाल देना चाहिए। राजस्थान की सरकार का मंत्री सड़क पर है, रोज ब्रेड बांटता हूँ, खाने के पैकेट बांटता हूँ, भीड़ में रहता हूँ, अभी भी सड़क पर हूँ, अभी साथ जाऊँगा इनके आगे आगे गाड़ी लेकर। ये डर निकालने के लिए निकल रहे हैं। अभी इस वक्त ना कोई मंत्री है, ना कोई मुख्यमंत्री है, ना कोई प्रधानमंत्री, इस वक्त पूरा भारत एक है और एक होकर मिलकर लड़ना है। एनी हाउ कैसे भी एनी हाउ, इधर मत करो, एनी हाउ कैसे भी पूरे देश में इस कोरोना वायरस को हराना है, उसको हराएंगे। विधायक कोष से आपने 1 करोड़ की राशि देने की घोषणा की, क्या क्या काम करेंगे इससे और किस तरह से पूरी टीम बनाकर इसको अंजाम दिया जाएगा? विधायक कोष से 1 करोड़ रुपये मैंने, ये मानकर चलिए आप, कलेक्टर को मैंने आज लिखकर भेजा है कि 1 करोड़ रुपए मेरे विधायक कोष से लेकर राशन का चावल, गेहूं, दाल, जो जरूरतमंद लोग हैं उनको 1 करोड़ रुपए का गेहूं, आटा, चावल ये खरीद कर उन एरियाज में भेजे। और मैं सब MLA से अपील करूंगा, मैं 1 करोड़ रुपए मेरे फंड से, आज मुख्यमंत्री जी ने भी कह दिया, दे रहा हूँ, तो उन सबको भी अपने अपने फंड से 1-1 करोड़ रुपये देकर 200 विधानसभा क्षेत्र, पूरा राजस्थान चॉकआउट हो जाएगा, उनको भी जारी कर देने चाहिए। जरूरतमंद के लोगों के लिए सरकार जल्दी से जल्दी गेहूं, राशन खरीदे और पहुंचाए, ऐसी व्यवस्था हो जाए। ये सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव कहाँ कहाँ होगा, किन किन क्षेत्र? जयपुर में कोशिश ये कर रहे हैं, पूरे जयपुर में पहले मुख्य सड़कों पर करेंगे और जरूरत होगी तो गलियों में भी भेजेंगे। गली वाले घबराएं नहीं, जल्दीबाजी नहीं करें, क्योंकि ये घुस नहीं सकती अंदर, बाहर हो जाएगा तो उससे भी काफ़ी मदद मिलेगी, जरूरत होगी तो गलियों में भी भेजेंगे। तो ये हैं प्रताप सिंह खाचरियावास, इनकी पहल पर ये सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया जा रहा है। हम देख सकते हैं कि जो सिविल लाइन में जो सड़कें हैं, यहाँ पर खासतौर पर मंत्रियों के बंगले हैं, वहाँ से शुरुआत की जा रही है। प्रताप सिंह खाचरियावास के यहाँ पर आवास है, इसके बाद धीरे धीरे ये सोडाला क्षेत्र में जाएगी गाड़ी और सोडाला क्षेत्र के बाद एक एक बस्तियों में जाने का प्रयास किया जाएगा। यहाँ पर ये सोडियम हाइपोक्लोराइड है, ये वह केमिकल है जिससे सैनिटाइज पूरा किया जाएगा सड़कों को, और सड़क और मकान के बाहरी क्षेत्र में ये सैनिटाइज किया जाएगा। प्रताप सिंह खाचरियावास खुद इसकी शुरुआत कर चुके हैं, हम देख सकते हैं कि छिड़काव किया जा रहा है प्रताप सिंह खाचरियावास की ओर से, और शुरुआत करके एक संदेश देना चाहते हैं कि ये जो कोरोना वायरस है इससे डरे।